Hi, so next step is to create table through the SQL statements. As previously we created tables with wizard, so same thing we can create with SQL statement also. अब यहाँ पे जो table create करने का simple सा statement होता, that is create table, then table name, then list of columns और उनका data type, हर एक column का नाम देना आपको, then data type देना है. इसी के साथ आप अपने constants भी लगा सकते हो. Now the same table that we created, that is a student, उसी टेबल को हम क्रिएट करेंगे अपने SQL के स्टेटमेंट के थ्रू. सो हियर यू हैव टू पुट हियर क्रिएट टेबल, देन नेम ऑफ द टेबल दैट इज स्टूडेंट. अब यहाँ पे एक चीज देखना कि स्टूडेंट की टेबल पहले से है तो दूसरी टेबल स्टूडेंट नाम से नहीं क्रिएट होगी. सो हम इसको स्टूडेंट वन बना लेते हैं. इसके बाद आपको लगाना है एक ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट. दिस इज द डेफिनेशन बेसिकली हाउ यू क्रिएट स्कीमा. तो टेबल बनाने के लिए आपको एक ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा. इसके अंदर आपके जितने भी कॉलम्स थे उस टेबल के जो हमने बनाए थे, उसी को हम एक यहाँ पे एसक्यूएल के स्क्रिप्ट के थ्रू लिखेंगे. तो सबसे पहला कॉलम हमारा था दैट वाज आईडी. आईडी का टाइप था हमारा बिगिन, क्योंकि ये हम बनाने वाले थे प्राइमरी की. तो प्राइमरी की बनाने के लिए भी हम अपने यहीं पे एक कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं. और जो हमारा ऑटो जनरेशन था फॉर दिस आईडी, कि हमें इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट ना करना पड़े, ये अपने आप जनरेट होता रहे, उसके लिए भी हम यहीं पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं. आइडेंटिटी बेसिकली एक फंक्शन होता है जो दो पैरामीटर रिसीव करता है. एक होता है पहला आपका सीड और दूसरा होता है इंक्रीमेंट. इट मींस जो ऑटो जनरेशन स्टार्ट होगा वो कितने से स्टार्ट होगा, दैट विल डिफाइन सीड, ये वाली वैल्यू, और वो कितने कितने से बढ़ेगा, दैट इज इंक्रीमेंट, दैट विल बी defined by the second parameter. Parallelly इसी पे हमें primary key बनाना है, तो इसको भी हम primary key लिख सकते हैं, primary space key. तो ये अपने आप primary key बन जाएगा. इसके बाद का हमारा जो column था that was first name, जिसका type हमने दिया था varchar 50. तो same आप यहाँ पे भी varchar 50 डाल सकते हैं. अगर आपको size जो भी increase करना है increase करके डाल लेंगे. हमने पहले वाले टेबल में वर्कर 50 बनाया था तो मैंने 50 डाल दिया. पैरेलली यू हैव टू पुट अ लाइन, अ स्टेटमेंट बेसिकली, दैट इज एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट विल डिफाइन कि फर्स्ट नेम आपका नल हो सकता है कि नहीं हो सकता है. तो हमने पहले टेबल में बनाया था कि हाँ ये नल हो सकता है. तो अगर आपको इस कॉलम को नल रखना है देन यू हैव टू पुट नल. अगर नल नहीं रखना है देन यू हैव टू पुट नॉट नल. तो जैसा भी आपका टेबल का स्कीमा बनाना हो, इन द सेम वे यू कैन पुट हियर दैट. दूसरा हमारा कॉलम था लास्ट नेम, सेम डेटा टाइप varchar 50. इसको भी आपको जो भी लखना है, नल नॉट नल रखना है, आप रख सकते हैं. मैंने यहाँ पे इसको नल रख दिया ताकि मैं इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करूँ तो इट विल नॉट मैंडेट कि हाँ मुझे इसमें वैल्यू डालना ही है. नेक्स्ट वर योर मोबाइल नंबर. सो आई क्रिएटेड कॉलम मोबाइल. मोबाइल के लिए भी आप varchar में ही रख लो क्योंकि आपकी इस वैल्यू पे कोई कैलकुलेशन नहीं करना है. सो we can put here the type for the mobile is also varchar. यहाँ पे आपको जो भी डिफाइन करना है, मैक्स कितना 15 करेक्टर्स का हो सकता है. मोबाइल हमने 15 करेक्टर रख लिया. नेक्स्ट वॉज क्रिएटेड बाय, कि जब ये कोई स्टूडेंट क्रिएट करेगा तो उसने किसने क्रिएट किया था इसको, उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे क्रिएटेड बाय. बेसिकली ये वो एक यूजर होता है जब किसी सिस्टम में लॉग इन करता है तो उसकी आईडी हम रखते हैं. सो इसको हम इंटीजर ही रखते हैं क्योंकि वो यूजर जो क्रिएटर होता है उसकी आईडी स्टोर करके रखते हैं हम. बट आपको अगर रखना है क्रिएटेड बाय नाम तो आप नाम भी रख सकते हो. और नाम रखना है देन यू हैव टू टेक varchar और उसके बाद उसकी लेंथ. नेक्स्ट वाज क्रिएटेड ऑन. क्रिएटेड ऑन में ये रिकॉर्ड कब क्रिएट किया गया उसके लिए हमारा जो डेटा टाइप होता है दैट इज डेट टाइम. इसको आप डेट टाइम रखो. एंड देन अपडेटेड बाय, कि अगर कोई इस रिकॉर्ड में अपडेट करेगा उसकी आईडी, सो इट्स अपडेटेड बाय, ये भी आपका इंटीजर होगा क्योंकि ये एक यूजर होगा. देन इट इज अपडेटेड ऑन, कि ये रिकॉर्ड कभी अगर अपडेट किया गया तो कब किया गया, दैट आल्सो विल बी डेट टाइम, उसका डेट और टाइम कब अपडेट किया गया. एंड देन वी कैन हैव अ कॉलम, जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो दैट विल बी सॉफ्ट डिलीट नॉट हार्ड डिलीट, कि
वो रिकॉर्ड आपके डेटाबेस में आपके टेबल में रहेगा, बट उसका फ्लैग जो होगा वो जीरो हो जाएगा। बस उसके लिए हम यहाँ पे बना देंगे इज एक्टिव एंड दैट इज अ बिट, इट मीन्स इट विल स्टोर बुलियन वैल्यू। तो ये है आपका एक स्टेटमेंट जिससे आपकी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। इसको आप यहाँ से एग्जीक्यूट मारेंगे, तो जिस तरह से हमने विजार्ड के थ्रू टेबल बनाया था, इन द सेम वे वी क्रिएटेड अ टेबल विद क्रिएट स्टेटमेंट। यहाँ पे आप टेबल पे जाओगे, रिफ्रेश मारोगे एंड हियर आल्सो विल बी अ टेबल स्टूडेंट वन विद द सेम स्कीमा दैट यू प्रोवाइडेड। और उसके बाद उसमें आपको जो वैल्यू भरनी है आप भर सकते हैं। हियर इट इज, सो दिस स्टूडेंट वन टेबल इज आल्सो रेडी। इसमें भी अगर आप जाके देखोगे इसकी डिजाइन व्यू क्या बनता है, इट मीन्स व्हाट इज द स्कीमा ऑफ दैट, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही मिलेगा जो आपने एसक्यूएल स्टेटमेंट के साथ बनाया है। Here we go.